अगर आप ककोलत जलप्रपात नहीं गए हैं और जाने का मन बना रहे हैं तो दोस्तों अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर देखिए आप बरसात तक कितना पानी भर गया है। ये वजह है कि पारसनाथ में जो बारिश हुई और इस बार भारी बारिश के कारण जो भी ककोलत जलप्रपात का झरना पूरा भर गया है और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों ये पहले का वीडियो जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि पहले हम गए थे और वहाँ पर कितने लोग थे और क्या क्या हमको देखने को मिला। इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है। और यहाँ पर जो दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है ये अभी का मई और जून का महीने का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पानी आ चुका है। जहाँ पर एक तरफ आपको नहाने के लोग नहाने का आपको दिख रहा है दृश्य और दूसरी तरफ आपको पानी का दृश्य दिख रहा है। यहाँ यहाँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ककोलत जलप्रपात में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं जाना है, अगर ककोलत जलप्रपात जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर पता कीजिएगा कि वहाँ की हालत कैसी है और ऐसे ही अनचाहे ना जाएं और वहाँ पे पता करने के बाद ही चले जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए मेन कुंड, मेन झरना जहाँ लोगों नहाते उहाते हैं। ये तालाब देखिए, ये मंदिर देखिए, ये यहाँ का मूसार देखिए। ये क्या बारिश है, ये क्या बारिश का फल है। ये देखिए क्या नज़ारा, वाह रे वाह।